दोस्तों आज मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जीवन अच्छा चल नहीं रहा था, काफी दिनों से मेरी तबीयत भी खराब थी, मगर कल रात से मेरी जीवन मानो पूरी की पूरी बदल के रख गई जब मैंने रोहित शेट्टी की वेब सीरीज देखी इंडियन पुलिस फोर्स। मतलब आप सोचो, पहले सिर्फ बुखार था और अब भगवान की देन से मलेरिया और पाइल्स दोनों हो गया। अब दोस्तों आप लोग से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नाभि पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ कि मेरे नजर में रोहित शेट्टी जी के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई। क्योंकि आप सोचो, पहले उन्होंने थिएटर ऑडियंस के लिए सर्कस मूवी बनाई ताकि थिएटर ऑडियंस घर पे बैठ जाए, और अब ओटीटी सीरीज बनाई ताकि घर बैठे ऑडियंस रोड पे आ जाए। अब इंडियन पुलिस फोर्स इस सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बेरोजगारों को हिम्मत देती है, उन्हें ये फील कराती है कि अगर काम ऐसा है ना तो इसकी माँ का हम काम ही नहीं करते। अब इस सीरीज के 7 एपिसोड हैं, सब आधे आधे घंटे के हैं। एक्चुअली ये लोग पहले फिल्म ही बना रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें मालूम पड़ा कि अगर हम एक ही बार का 3-4 घंटे का फिल्म बनाएंगे तो ऑडियंस उसे देख के जगह पे मर जाएगी, तो क्यों ना हम इसे आधे आधे घंटे का एपिसोड बनाते ताकि हम ऑडियंस को तड़पा तड़पा के मारे। तो मुझे मेकर्स का ऑडियंस को लेके केयर जो था वो अच्छा लगा देख के। अब इस सीरीज की कहानी बहुत नई है, इसलिए अगर नई भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कहानी अपने समय से बहुत जल्दी आ गई है, क्योंकि हम रेडी नहीं है इस पाप के लिए गाइस। फिर भी कहानी में ऐसा होता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा टेरर अटैक होता है, दुनिया भर के ब्लास्ट होते, तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत सीरियसली जाने वाली है, इसलिए ये लोग सीरियसली मजाक जारी रखते हैं। तो फिर हमें नजर आते हैं दिल्ली के स्लिम पुलिस, जो कि हमारे सिद्धार्थ मल्होत्रा रहते हैं। उन्हें लगा कि यार शेरशाह से अच्छा खासा करियर मेरा पिकअप हुआ था, तो क्यों ना मैं इंडियन पुलिस फोर्स करके बर्बाद कर लूं। फिर वहीं पर एक और पुलिस नजर आते हैं जो कि सलमान खान के दोस्त विवेक ओबेरॉय। उनका फेस पूरे सीरीज में आप देख लो, आपको ऐसा लगेगा किसी ने बड़े बर्गर पे पाव रख दिया हो ऐसा। उसके बाद एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जो कि हमारे रियलिटी शोज पे जज बन के एक्टिंग में वापसी करके घर वापसी करने वाली शिल्पा शेट्टी की। एंड उनके परफॉर्मेंस को देखकर आप बोल दोगे कि उनका वो जज का कुर्सी भी आप छीन लोगे। बट जो भी हो, जब आप सीरीज देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है, इतने सारे ब्लास्ट हो रहे, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा सारे पुलिस वालों को बोलते हैं कि अब से सब यही खाएंगे, यही सोएंगे, कोई घर नहीं जाएगा। वो अलग बात है, सिद्धार्थ मल्होत्रा विवेक ओबेरॉय हमेशा ढाबे पे खाने चले जाते हैं, एंड उसी ढाबे पे मुकेश ऋषि आते हैं एंड बोलते हैं कि अब हम इस टेररिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। तो हमारे विवेक ओबेरॉय जी चपटा बर्गर जैसा मुंह लेके बोलते हैं कि अरे चलो तुमको पहले मैं मिश्रा जी का पान खिलाता हूं। तो मुकेश ऋषि बोलते हैं कि अभी खुला होगा दुकान? अरे दिल्ली पुलिस है, वो तो खुला लेंगे, बाकी ब्लास्ट में 100-200 लोग मरते वो क्या होता है, अगर किसी ने पाकिट मारी हो तो वो बोलो, हम देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। जब आप सीरीज में दुनिया भर के टेरर अटैक एंड ब्लास्ट देखते हो तो आपको लगता है कि सीरीज को काफी सीरियस होना चाहिए था, लेकिन इनका बीच बीच में कॉमेडी करना, अलग सा ड्रामा दिखाना, बीच में गाना भी आ जाता है भाई, और फिर शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय का आपस में अलग ही ताना मारना चल रहा है, वो भी इतने सीरियस सिचुएशन में। तब आपको ये रियलाइज होता है कि भाई साहब ये ब्लास्ट वास्ट तो कुछ नहीं है, ये बस टेररिस्ट तू भागा में लेके भागा खेल रहे। बट सीरीज की एक अच्छी बात है कि सीरीज देखते हुए आप बोर फील नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी फालतूगिरी देखने का भी एक अपना अलग ही मजा है। इनफैक्ट सीरीज बहुत फास्ट पेस्ड है, आप फास्टली अमेज़न का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा दोगे। ऊपर से थ्रिल एंड सस्पेंस, बाप रे, ये देख के आप बोल दोगे कि वाओ, असुर का बाप ससुर। बाकी रोहित शेट्टी की सीरीज है तो कॉमेडी मिस हो सकती है क्या? आप सीरीज का लास्ट एपिसोड देखो, आप हंसते हंसते हक दोगे। आई मीन टेररिस्ट भी हमारे यहाँ कहीं कांड भी यहीं पे करेगा, जिसका कोई वजह नहीं, कोई सेंस नहीं, ना कुछ नहीं। एंड स्पेशली वो जो लास्ट वाला इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर वाला सीन था, जिसने भी वो लिखा प्लीज उसके हाथ में प्लास्टर मार दो, क्योंकि बहुत डरावना लिख दिया। कोई तरीका नहीं, कोई पैटर्न नहीं था इस सीरीज को बनाने का, इनफैक्ट कोई जरूरत भी नहीं थी इस सीरीज को बनाने का, बट पैसा है तो क्यों ना आग लगाया जाए। चलो ठीक है, फिर भी एक दो चीजें अच्छी थी सीरीज में। आई मीन स्केल बड़ा था, एंड एक्शन शॉट जो गोवा में था वो भी वन टेक वाला, वो एकदम खतरनाक था। बाकी द होल सीरीज लुक चाइल्डिश। ओवरऑल मेरा तो जीवन बन गया है गाइस। मैं बोल रहा हूं कि ये सीरीज आप उनको सजेस्ट करो जो दोस्त आपका उधारी वापस ना दिया हो, ये सीरीज को देखने बोलना, देखना वो उधारी के साथ साथ आपको स्ट्रैप भी देके चले जाएगा। बाकी मैं इस सीरीज को रेटिंग नहीं, मजबूर हूं भाई, रिश्वत दूंगा मैं। सो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय।